नमस्कार दोस्तों, ट्रेवलर टीवी पर आप सभी का फिर स्वागत है। रावे के ब्लॉग्स तो आप सभी ने देख लिए हैं, तो चलिए अब हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ब्लॉग भी देख लेते हैं। अभी हम सभी ऊना पहुँचे हैं। हम लगभग 7 बजे हमीरपुर से चले थे और 9 बजे हम ऊना पहुँच गए। ऊना पहुँच कर हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया, फिर हमने अगली बस देखी जो धमांदरी के लिए जाती है, फिर हम उस बस में चढ़ गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम जा रहे हैं मशरूम की ट्रेनिंग के लिए और वेजिटेबल की ट्रेनिंग के लिए खान मशरूम हाउस। और ये है साथ में प्रतिभा, ये है दीक्षा। अभी हम देखते हैं, ये आ रहे हैं कशी डोगरा साहब और काली अप्पा जी। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। और ये है आयुषी और साथ में चितवन, और ये है दिव्य भाई। हाय गाइस, आज हमारी खराब है भाई, बहुत ज्यादा खराब हालत है, बहुत ज्यादा खराब है भाई। एक्सपीरियंस का सर आपका बस में? सच अ बैड डे एंड सच अ बैड मॉर्निंग। इस महीने का मेरा तीसरा मनुष्य दिन है, तीसरा। ठीक है, काली अप्पा जी हमें कितनी देर लगेगी पहुंचते पहुंचते? पता नहीं है, चल के ही पता लगना। ये देखिए नजारे, नजारे बड़े। धमांदरी से 1.5-2 किलोमीटर चल के हम सलांगड़ी पहुंचे और बारिश ने हमारा धूमधाम से स्वागत किया खान मशरूम फार्म में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस जगह का एक व्यू दिखा देता हूं कि यहां क्या क्या है। और ये जो आप सामने रूम देख रहे हैं, ये लड़कों का है और इसके साथ वाला लड़कियों का। रूम रेंट दोनों का ही सेम था, 2500 पर हेड पर मंथ। अब मैं आपको ट्रेनिंग सेंटर दिखा देता हूँ जहाँ पर हमारी क्लासेस लगेंगी। तो देखिए यहाँ पर, जैसे ही हम ट्रेनिंग सेंटर में एंटर करते हैं, सबसे पहले हमें दिखता है टेबल टेनिस का टेबल। और अंदर यूसुफ सर ने बहुत ही सुंदर अपने ट्रेनिंग सेंटर को सजाया है। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी पिक्चर्स लगाई हुई हैं दीवारों पर। सर के पास 3-4 पॉली हाउसेज हैं। एक में उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स का सेटअप लगाया है, बाकी 2 छोटे छोटे पॉली हाउसेज हैं जिसमें उन्होंने कोकोपीट स्टोर की है, एक में उन्होंने फ्लोरिकल्चर प्लांट्स लगाए हुए हैं। और ये जो सामने फैक्ट्री है, ये है बैटरी की फैक्ट्री जो सलांगड़ी में है। और इसके साथ जो आप देख पा रहे हैं, ये है धागे की फैक्ट्री, ये है मुर्गे की कड़कनाथ ब्रीड। सर बेसिकली प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि सर ने प्लांट पैथोलॉजी में एमएससी की है, इसलिए उनका इंटरेस्ट मशरूम में पहले से ही था। हाइड्रोपोनिक्स में तो सर 2013 के बाद शुरू हुए और 2017 से उन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन लेना शुरू कर दिया हाइड्रोपोनिक्स में। तो सर के पास मशरूम से रिलेटेड हर एक चीज़ है, जैसे कि फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए पास्चराइजेशन टनल और ग्रोइंग रूम्स, और इसके साथ ही साथ सर स्पॉन भी खुद ही तैयार करते हैं। मई से हमारी रेगुलर क्लासेस और ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू हो गई। हमने हाइड्रोपोनिक्स में काफ़ी चीज़ें सीखी कि कैसे नर्सरी बेड प्रिपेयर किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स में, कैसे ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, कैसे अजोला मल्टीप्लिकेशन की जाती है। और साथ ही साथ हमने प्रो ट्रेज में, कोकोपीट में कुकम्बर भी लगाए। तो चलिए देखते हैं हमने इसमें ट्रेनिंग में क्या क्या किया।
चलिए अब मैं आप सभी को बाबे के डेरे ले चलता हूँ, जहाँ मैं और पाजी जाते थे खाना खाने। दिन में तो गर्मी बहुत होती थी, 40-45 डिग्री टेम्परेचर, पर फिर भी हम ऐसी गर्मी में बाबे के डेरे तक पैदल जाते थे, जो हमारे यहाँ सलांगड़ी से 3-3.5 किलोमीटर दूर था। 3-3.5 किलोमीटर हमने जाना, 3-3.5 किलोमीटर हमने आना, तो काफ़ी दूर था, बट खाना बहुत अच्छा मिलता था इसलिए हम वहाँ तक जाते थे। तो चलिए देखते हैं। अब आप सभी को मैं दिखाता हूँ लड़कों के कमरे, और ये देखिए, ये है पहला कमरा, इसमें रुके हैं वैभव भाई, जत्तू और बीड़ी। और अगला कमरा, इसमें रुके हैं गुलेरिया और साहिल। और नेक्स्ट रूम है मेरा, इसमें है कालिया पाद जी हमारे, और डोगरा साहब। और बढ़िया जी, और कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बस बहुत बढ़िया, इतना बहुत बढ़िया, बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है जी, नमस्कार। और ये है हमारा वॉशरूम, और ये कमरा है हमारे दिव्य भाई का और दीक्षांत भाई। और ठीक ठाक दीक्षांत भाई, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? और ये आगे दिव्य भाई, और ये है अंकल जी जिन्होंने हमें रूम्स दिए हैं। अभी कशी डोगरा साहब की एंट्री हुई है, और डोगरा साहब कैसे हो सब? बस बढ़िया। डोगरा साहब आप सुनाओ। फिर हो गया? ठीक बिल्कुल हो गया, है पैकअप हो गया यार। ठीक है डोगरा साहब, बाय बाय। ठीक है ठीक है। गाइस अब आप सभी को मैं दिखाता हूँ लड़कियों के कमरे, ये देखिए, बिल्कुल लैविश रूम होटल की तरह। सबसे पहले ये दिखाता हूँ आपको किचन, मोटा ही मस्त, ये देखिए। ये है रूम्स, और इसमें रुकी है आयुषी चंबियाल और चितवन। और ये है सेकंड रूम, इसमें रुके हैं प्रतिभा डोगरा और दीक्षा। और ये है डाइनिंग रूम। 6 जून को हमारी 14 दिन की हाइड्रोपोनिक्स की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, और इसके बाद हम कोटला के लिए निकल गए, जहां पर हमारी मशरूम की ट्रेनिंग थी। वो ब्लॉग भी जल्दी आएगा, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो के लिए कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करिए। धन्यवाद।